नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और इसमें से 101% आपको आगामी परीक्षा में, अपने आने वाले आगामी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, और जिसका आप सटीक सही उत्तर लगा के भी आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी कि जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जैसे कि कुछ भी जो भी चारों ओर का वातावरण हो गया, वो हमें और जो जीवों को और जो और जीव हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, जो हमारे आस पड़ोस के और जीव हैं, उनको प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमारे परिधन आवरण, इसका अर्थ क्या होता है? परिधन आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा। तो हमारे चारों तरफ का घेरा है, वही पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों की संख्या पाई जाती है। इसके बाद पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं, और बदले में जीवधारियों को सांस देने के लिए कौन सी गैस छोड़ते हैं? सभी को पता है, बचपन से हम लोग याद करते हुए चले आ रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रदान करने वाला कौन सा है पेड़? तो पीपल है। अच्छा, एक और बात है कि इसीलिए बरगद पीपल वगैरह की, इन सबकी पूजा की जाती है। तो क्यों की जाती है, इसका आप हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आप दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, यानी कि द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये क्या है? गैसेस हैं, तो वायु प्रदूषण होगा। कौन सा प्रदूषण होगा? तो वायु प्रदूषण होगा। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायो, अच्छा BOD भी आपने सुना होगा, बायो, बायोकेमिकल। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं BOD की। तो BOD का संबंध अगर किससे पूछा जाएगा, तो वो भी किससे है? जल प्रदूषण से संबंध है। अब इसके बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने में की जाती है? तो जल प्रदूषण को। ऐसे ही परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेन के बारे में कि पेन क्या है? तो वायु प्रदूषक है। और कौन सा है? तो द्वितीयक है। कौन सा है? द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ये प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक। यानी कि देखिए, प्राथमिक वो होते हैं जो स्वयं से प्रदूषण करते हैं, और द्वितीयक वो होते हैं जो किसी स्वयं के उसके माध्यम से प्रदूषण करते हैं। तो पराक्सी यानी कि पैन क्या है? वायु प्रदूषक है। कैसा है? द्वितीयक, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो नागपुर। कहाँ? महाराष्ट्र में, नागपुर में। अब वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। किससे? ये पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। सबसे अधिक खतरनाक कौन सी गैस होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं? तो सी। अच्छा, एक और बात हम बता दें कि वायुमंडल में ओजोन परत, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, हम साथ में जो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो भी कवर करते चलेंगे, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन होता चला जाए। अगर आपने कभी पहले तैयारी की है, वो पढ़ा है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन। और अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाइट्रोजन जो है, जो कृत्रिम गैस होती है, जैसे कि स्टेज वगैरह पे धुएं वगैरह का काम करती है, वो भी क्या चीज होती है? वो भी नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा क्या करता है? नीला दिखाई पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सीटेट में तो इस क्वेश्चन की भरमार रहती है। हमेशा ही हर तीसरा चौथा पेपर पूछ ले छोड़ के क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक दिवस वाली पूरी एक अलग से सीरीज विद ट्रिक के साथ हम जो है लाने वाले हैं, तो आप लोग आगे वीडियोस को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक दिवस कौन कौन से किस दिन मनाए जाते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
अब देखिए दो क्वेश्चन तैयार हुए हैं, हर प्रश्न में आपके दो से तीन क्वेश्चन तैयार होंगे अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे बस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या घटता है, बढ़ता है? तो बढ़ जाता है। और सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है, तो पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है यूकेलिप्टस, यानी कि सफेदा को, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बताया था हमने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, यानी कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें आ तो रही है पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन जब ये वापस जाती हैं तो ये क्या हो, वापस नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत के कारण ये वापस नहीं जा सकती, इसलिए ही तो गर्मी बढ़ रही है, इतना गर्मी का तापमान इतना जो है बढ़ रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, गर्मी से याद आया कि अभी हाल ही में लंदन में परेड सभा हो रही थी, तो फिर उसमें कई जो वहां पे परेड करने वाले हैं, परेड करते हैं, तो वो बेहोश हो गए गर्मी के कारण। अब अच्छा कि उनके यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री के करीबन आसपास पहुंच गया। अब आप लोग ये कहेंगे कि 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर उनका पहुंच गया है, तो कैसे उतने बेहोश हो गए, हमारे यहाँ तो 40 प्लस हो जाता है, कभी कभार तो 45 प्लस हो जाता है। तो देखिए, उन लोगों की आदत नहीं है, उन लोगों की बॉडी जो है उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं, जिस तरीके से माहौल में हम लोग रहते हैं तो हमारा पर्यावरण जैसा होता है वैसे ही हमारी बॉडी वो एक दूसरे एडजस्ट कर लेती है, ऐसे इसी प्रकार उनकी बॉडी इस प्रकार से एडजस्ट कर नहीं पा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव और गर्मी की वजह से 30 डिग्री का जैसे ही तापमान हुआ तो उनमें से परेड करने वाले बेहोश हो गए, हालांकि वो काफी फिट और तंदुरुस्त और होते हैं जो परेड करते हैं। खैर, टॉपिक पर आते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो 33%। कितने भूभाग पर, 33%। और ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण योजना है, ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, वनों की सुरक्षा, चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा। अच्छा, इसके थे कौन चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, चिपको के, एपिको के, फिलहाल आप चिपको, एपिको दो के बताइएगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, 1980 में, कब की गई, 1980 में। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन में से कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो ओजोन। जितनी देखिए, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, फोटोकॉपी वाली मशीन हो गई, इन सभी से हमारी सीएफसी एचएफसी गैस निकलती है जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक गैस है और ओजोन के परत के लिए जिम्मेदार भी है। तो कौन सी उत्पादित होती है, तो ओजोन। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को, पांडा को। वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किसको, पांडा को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है, और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। और टाइगर स्टेट के राज्य कौन से जाना जाता है, तो वो भी मध्य प्रदेश में। अच्छा, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया, तो के एम मुंशी ने। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया, तो के एम मुंशी ने। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो वो खजूर है। कौन सा है, खजूर। अब खजूर जो है, खजूर खाने से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है या कौन सा क्या मिलता है हमें, ये आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सफोकेशन क्या होता है, सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना एक तरीके का, यानी कि ऑक्सीजन की कमी का जीवों पे प्रभाव। यानी कि अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और उसमें आपने बचपन में आपने ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बंद जलती हुई अंगीठी रख ली, तो क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन को खाती चली जाती है, धीरे धीरे पूरे कमरे में जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ही फैलती चली जाती है। जब पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड ही पड़ जाती है, तो इसको, इससे जो अंदर व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। इसीलिए आप लोग कभी भी बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल ना करें, ऑक्सीजन को ये मार देती है और अपना स्थान पूरा सब एक कर लेती है, जिससे जो व्यक्ति अंदर होता है उसको सफोकेशन हो लगता है, उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की।
किसकी, ग्रीन हाउस गैसेस की। अब सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी, अभी हमने आपसे बात की थी सीएफसी एचएफसी के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो सर्वाधिक जो होती है क्षयकारी गैस कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, सीएफसी यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन, कौन सी, कार्बन फ्लोरोकार्बन। अच्छा कार्बन फ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी किन गैसों का संयुक्त रूप है, कार्बन फ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी कार्बन फ्लोर नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन का क्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है ठीक है, ये फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन का संयुक्त रूप है। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ पे होता है, अभी हमने बात की थी स्प्रे कैन में, डिस्पेंसर में, वातानुकूलन यानी कि उसमें एसी में, रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम विद और सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जितने भी ये ड्रायर होते हैं उन सभी में भी सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो हमारा क्या होगा, जलस्तर भी बढ़ता चला जाएगा, समुद्रों का भी जलस्तर बढ़ता चला जाएगा। 2030 तक अनुमानित है कि हमारे समुद्रों का दो से तीन मीटर के आसपास जलस्तर बढ़ जाएगा, और जब दो से तीन मीटर जलस्तर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूब जाएंगे जलस्तर पिघलने से, तो जलस्तर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के बाद में। तो भारत में वृक्षों का आदमी यानी कि किसको कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को, वृक्षों का आदमी किसको कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और किसान मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को। वृक्ष मित्र, यहाँ पे वृक्षों का आदमी तो एक गलत सेंस हो गया, लेकिन फिर भी वृक्ष मित्र किसको कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और किसान मित्र किसको कहा जाता है, तो किसान मित्र किसको, केचुआ को। और जल मित्र किसे कहा जाता है, तो वो राजेंद्र को, राजेंद्र जी को जल मित्र कहा जाता है, राजेंद्र सिंह। अच्छा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में, बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसके बाद हम बात करते हैं भविष्य का ईंधन, यानी कि भविष्य का ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। और भविष्य में हाइड्रोजन चलित वाहन भी चला करेंगे, इस पर सरकार कार्य भी कर रही है। पर्यावरण की रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को। अब लेकिन ओजोन परत में भी क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, तो क्षय हो रहा है, जिसके कारण जो है अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पे आ रही है, जिससे चर्म रोग वगैरह और कैंसर, त्वचा कैंसर फैल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्त जो चीजें हो जाती हैं, जीव हो जाते हैं, विलुप्त प्राणी होते हैं, तो उससे संबंधित है, यानी कि उसका ब्यौरा रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। इसके बाद विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो मैक्सिको सिटी, विश्व का मैक्सिको सिटी, और भारत में दिल्ली। अच्छा एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में कहां पर स्थित है, तो किस कहां पर, विस्कोसिन में, कहां पे, विस्कोसिन में। इसके बाद सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूछा जा चुका है, सीटेट में कई बार आ चुका है कि कौन क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल पे माना जाता है, तो 65 पे, और नॉर्मल किस पे माना जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण जो है वो 65 डेसिबल पे, और नॉर्मल किस पे, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल। और हमने एक और बात बताई थी बीओडी की, ठीक है बताई थी, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का संबंध किससे है, जल प्रदूषण मापने से। ताजमहल के पीले पड़ने का और छह होने का, तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड और ऑक्सीजन के जब वर्षा के जल में मिल जाते हैं तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा इसका कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के सल्फाइड, ये जो है नाइट्रोजन के सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फाइड जब वर्षा के जल में मिल जाते हैं तो वर्षा का जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय हो जाने के कारण जब से ताजमहल पर पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ताजमहल पर पड़ने के बाद में ताजमहल का रंग कैसा पड़ता चला जा रहा है, पीला पड़ता चला जा रहा है। दोस्तों ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आपके कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब मान लीजिए अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी शामिल है गैसेस, तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के सल्फाइड, तब जी अम्लीय वर्षा बनती है। बायोकेमिकल वाला हमने बताया, पृथ्वी दिवस हमने आपको बताया ही कि किससे किससे क्या निकलता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से एक ही बार वीडियो देखें और अच्छी तरीके से ध्यान लगा के एक ही बार में सारी चीजें कवर कर ले हम चाहते हैं एक ही वीडियो में। अच्छा मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो ब्रह्म वायुमंडल में, कहाँ पे, वायुमंडल में।
अच्छा, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? बैंगलोर। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी कि ज्यादा पढ़ा लिखा मामला जब भी आता है प्रशिक्षण से रिलेट करना बैंगलोर को। प्रशिक्षण और सर्वेक्षण, ये ट्रिक बता दे रहे हैं कि ये अगर इससे रिलेटेड जुलता कुछ भी आएगा तो उसका बैंगलोर आंसर होगा। ज्यादातर बैंगलोर होता है कि अनुसंधान सर्वेक्षण कहाँ पे स्थित है, तो बैंगलोर, और कहाँ पे? कर्नाटक में। इसके बाद भारत का, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ? देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में, और इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी तो देहरादून में। इसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग। अच्छा, कमेंट बॉक्स में अगर हम बोल भी देते तो इसका मतलब ये है कि आस पड़ोस का ही दिन है। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान देके दिमाग पे जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा, और ये बहुत जरूरी भी है क्वेश्चन करना एक तरीके का। अच्छा, विश्व वानिकी दिवस को 21 मार्च को। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, अब ये सर्वेक्षण वो सर्वेक्षण नहीं, सर्वेक्षण यहाँ पे अगर बीच में स्थित हो तो अब देखिए कहीं कहीं देखिए सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ पे? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। कहाँ पे? प्रबंधन संस्थान भोपाल में। अच्छा, प्रबंधन संस्थान यानी कि मैनेजमेंट कहाँ पे? भोपाल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग 51 क्वेश्चन कवर किए हैं, और कोशिश की है कि 51 से आपको लगभग 70-80 क्वेश्चन याद कराने की। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखें, और ध्यान से वीडियो को देखने के बाद आप इसको जब अपना एनालिसिस करें तो आपको क्वेश्चन कई सारे आते हो, और जब आपका परीक्षा हो तो 100% इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अपना प्यार और समय देने के लिए। धन्यवाद।